जदयू के बड़बोले और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से अपने बयान से चर्चा में हैं। बता दें कि गोपाल मंडल ने कहा कि बुलू मंडल सठिया गया है, वो एक जिंदा लाश है। वहीं उन्होंने ललन सिंह पर बयान देते हुए कहा कि प्रचार के लिए ललन सिंह ने अनंत सिंह को जेल से निकाला है और अनंत सिंह को भी जेल से निकलना है, इसलिए प्रचार कर रहे हैं। टू लेन का रोड बन रहा है, आइए यहाँ पर भागलपुर में क्या कहा जाए, कौन बोलता है सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी काम हो रहा है, सब कुछ है, काम तो हो ही रहा है। सर बगल में जब तेली है सर, वोट का बहिष्कार भी किया गया, कहा कि क्यों नहीं करेगा भाई, किसम खाया सांसद महोदय, क्यों नहीं खाए करेगा, अगर बहिष्कार किया तो उनको जाना चाहिए, जाने के बाद वोट जरूर देता, लेकिन गए नहीं, गलती किया। बोले कि बजरंग बली का भी कसम खाए थे कि हम आएंगे, लेकिन तब भी नहीं आए। आप लोग जानवे करते सब बात, तो कितना बोलवाते। पटना में रोड शो करने वाले एमपी प्रधानमंत्री क्या कुछ देख रहे हैं उस रोड शो के? सर रोड शो करने वाले हैं तो वो तो ऊंचे तबके के लोग हैं, लीडर हैं, तो कोई भी रोड शो करता है ना दौड़ जाता है। तो पटना में प्रधानमंत्री आएंगे तो रोड शो में तो पब्लिक देखबे करेगा कैसा प्रधानमंत्री है, भीड़ तो लगेगी। चौथे चरण में आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है मुंगेर में, क्या वहाँ का प्रभाव है? राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कहाँ है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। बात देखिए, ललन बाबू को दो बार, उन्ना है ही मेरे साथ पिए, दो बार अपने से घूम फिर के धानु का वोट, मंडल का वोट, गैर जाति का वोट दिलवाने का काम किया। अगर वो संपर्क किए होंगे, घूमे फिरे होंगे, तो निश्चित पब्लिक वोट देगी। अभी सर अनंत सिंह भी पैरोल पर निकले हुए हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं ललन सिंह, हाँ करवे करेगा, क्योंकि उनको भी जेल से निकलना है ना। वहीं भागलपुर के पूर्व सांसद और राजद से जदयू में आए बुलू मंडल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बुलू मंडल सठिया गया है, जिंदा लाश है बुलू मंडल, उनसे कुछ होने वाला है, उनसे लोग पूछ रहे हैं आप तो लालटेन थे तो जदयू में कैसे आ गए, उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, बुलू मंडल कोई स्टार प्रचारक थोड़े है। बुलू मंडल भी प्रचार कर रहे हैं, अब बुलू मंडल तो सठिया गए हो तो जिंदा लाश है, उनसे कुछ होने वाला है, उनसे कुछ होने वाला नहीं, अरे उनके उनको जवाब वहाँ मिल रहा है ना, तर आप लालटेन छापते यहाँ का बैठने के लिए जगह नहीं देता बुलू मंडल को, बुलू मंडल को स्टार प्रचारक छोड़ो है, स्थिति तो जानवे करते हैं, वो तो डेड हो गया थे। जदयू माने से क्या उनको गोपालपुर से लेंगे क्या? गोपालपुर में गोपाल मंडल है तो कौन आ सकता है, बोलो बोलो कह लगे गोपालपुर को जदयू में आए हैं, जदयू में आए थे, दिमाग खराब हो गया उसका हो गया। हमको लालू यादव 2005 में बुलाए थे, बीहपुर भेज रहे थे, बुलू मंडल पीछे में आया, बोला कौन लड़ता है बुलू मंडल, बुलाया कल के शादी किया है, हाँ किए हैं, बच्चा पैदा हुआ तो नहीं कहे होंगे, पीछे में खड़ा था, बोला जाओ 5 साल के लिए बोलूँ गोपाल मंडल, कहिए नहीं सर ये हमारा ही सीट छीन के हमको दे रहे हैं, पब्लिक रिवोल्ट कर जाएगी, हमको हरा देगा, इसलिए हम ये सीट नहीं यहाँ जाएंगे, हमको लड़ना है डॉक्टर आर के राणा से, इनके खिलाफ कौन लड़ेगा, हम जीते या हारे लड़ेंगे इनके खिलाफ ना, गोपालपुर नहीं छोड़ के जा सकते। वोटरों में सर कन्फ्यूजन है कि कहीं गोपालपुर सीट बुलू मंडल को तो नहीं मिल जाएगा, सर कहीं और मिल जाएगा, नहीं, आप लोग जानते हैं हम कहीं जाने वाले हैं, नहीं कहीं आपको, अरे भाई पद के लिए एक बार और बोले थे गोपाल जी आप बीहपुर चले जाए, नीतीश कुमार बोले थे हम बीहपुर नहीं जाएंगे, हम लड़े या नहीं लड़े पार्टी का समर्थक लोग हैं, काम करेंगे, गोपालपुर से बीहपुर नहीं जा सकते। बुलू मंडल आने से जदयू मजबूत होगा? बुलू मंडल तो ऐसा ही डेड है, क्या जदयू मजबूत होगा भाई, कोनो वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है क्या, कुछ है कोई दम है? गोपाल मंडल ने ये भी कहा कि बुलू मंडल डेड हो गया है, गोपालपुर में सिर्फ गोपाल मंडल है और कोई नहीं आएगा, हम कहीं जाने वाले हैं, हम गोपालपुर में ही रहेंगे, बुलू मंडल के आने से जदयू में कुछ नहीं हो सकता है। भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।